हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हैदराबाद पुणे मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आप जानते हैं भारत में बहुत सारे कॉरिडोर्स पे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की जो बातें चल रही है और इसमें मुंबई अहमदाबाद सबसे पहला कॉरिडोर है जिसमें काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा भी मुंबई को नागपुर से जोड़ने की भी बातें चल रही है, मुंबई नागपुर हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर। अब मुंबई को तीसरा भी कॉरिडोर मिल गया, मुंबई से पुणे होते हुए हैदराबाद, मुंबई पुणे हैदराबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, सारे इकोनॉमिकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिसेस, फाइनेंशियल सब कुछ मुंबई से ही होता है अधिकतर। तो मुंबई के बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होते हुए ये पुणे, जो कि एक और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है इंडिया का और एक आईटी हब के तौर पे भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है पुणे का, तो मुंबई से पुणे को जोड़ते हुए ये हैदराबाद को जोड़ेगा। हैदराबाद जो कि एक सॉफ्टवेयर और आईटी हब है, बेंगलोर के बाद इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और आईटी एक्सपोर्टर हब है। तो हैदराबाद एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और बहुत तेज़ी से यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मुंबई से हैदराबाद जाने के लिए बाई ट्रेन 14 घंटे लगते हैं लगभग और बाई रोड 13 घंटे लगते हैं, लेकिन अब हाई स्पीड ट्रेन से लगभग 3 घंटे के आसपास लगेंगे। और जो इसमें स्टेशंस होंगे वो होंगे बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, फिर दूसरा होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा फ्यूचर में इंडिया के लिए, तीसरा होगा लोनावला, फिर पुणे, फिर ताऊ जंक्शन, फिर अकलुच, फिर पंढरपुर, उसके बाद सोलापुर, उसके बाद फिर तेलंगाना में आएगा जहीराबाद और हैदराबाद, यानी दो स्टेट तक सीमित रहेगी ये महाराष्ट्र और तेलंगाना में। और जो डिस्टेंस है इस कॉरिडोर का वो लगभग 767 किलोमीटर्स होगा, यानी कि 767 किलोमीटर्स होने वाला है। और इस कॉरिडोर में जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी वो आई थिंक जैपनीज ही होगी, सिंकेंसन ई सीरीज़ की ही ट्रेन होगी और जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसकी परमिसिबल स्पीड वो 350 किलोमीटर्स की होगी, लेकिन उसको जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो 320 किलोमीटर्स की ऑपरेटिंग स्पीड पे उसको चलाया जाएगा और एवरेज स्पीड निकल के आएगी इस ट्रेन की, हाई स्पीड ट्रेन की, 250 किलोमीटर्स पर आर, यानी जो ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स पर आर की होगी और मैक्सिमम स्पीड तो 350 किलोमीटर्स पर आर की होगी, लेकिन एवरेज स्पीड इसकी 250 किलोमीटर्स पर आर की निकल के आएगी। इसमें अभी टेंडरिंग की एक्टिविटीज़ चल रही है, उसके बाद फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग होगा, फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग डीपीआर प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग होगा, फिर ग्राउंड वर्क होगा, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है, ऐसा लग रहा है बहुत ही नियर फ्यूचर में ये कॉरिडोर बहुत जल्दी बनके तैयार हो सकता है। और साथ ही में मुंबई पुणे जो है एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ का भी ट्रैफिक लोड कम होगा क्योंकि मुंबई से पुणे के बीच में बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्सप्रेस हाईवे है इंडिया का, बहुत सारी व्हीकुलर ट्रैफिक वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है और मुंबई से पुणे भी आना बहुत आसान हो जाएगा, मुंबई से पुणे भी काफ़ी कम समय में पहुँचा जा पाएगा इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से, इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर से, और मुंबई से हैदराबाद भी बहुत तेज़ी से पहुँचा जा सकेगा। लगभग 3 से 3.5 घंटा लेगी ट्रेन मुंबई से हैदराबाद पहुँचने के लिए। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वन ऑफ़ दी बिजिएस्ट और वन ऑफ़ दी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है पूरे इंडिया का और उस पूरे रीजन का, जिसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र भी आ जाएगा, पूरा वेस्टर्न इंडिया का जो कि इंटरनेशनली बहुत से देशों से कनेक्टेड होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसको भी सीधा तौर पर इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर से जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है। फ्यूचर में और भी कॉरिडोर्स की बातें चल रही, जैसे दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद जो कि दिल्ली अहमदाबाद से फिर मुंबई अहमदाबाद को कनेक्ट कर देगा, दिल्ली मुंबई, फिर हावड़ा वाराणसी कनेक्ट की बात चल रही है, चेन्नई बेंगलोर मैसूरू की कनेक्शन की बात चल रही है स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली बेंगलोर, ऐसे बहुत सारे हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स की बातें चल रही है। आने वाले वक्त में भारत में बहुत सारे हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर होने वाले हैं और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ बनेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। अब यूरोप जैसे हम यूरोप में जैसे देखते हैं, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वहाँ की ट्रेन सिस्टम्स को, उनसे भी बेहतर होने वाला है भारत में ट्रेन सिस्टम आने वाले कुछ समय में। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को
शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हियर।